पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स तो हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर रेडी नहीं है। इस समय अगर एक प्रैक्टिकल ऑप्शन फ्यूल सेविंग्स में है तो वो है द मारुति सुजुकी अर्टिगा सीएनजी, जिसके बारे में डिटेल ड्राइव रिव्यू हम करने वाले हैं। एक एक चीज़ बताऊंगा इसके बारे में कि सीएनजी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, सीएनजी चलाने में कैसी है, पावर कैसी है और उसके साथ साथ सस्पेंशन में भी क्या चेंज आपको मिलता है। ये कोई ऐसी वैसी सीएनजी नहीं, ये है मारुति की एससीएनजी यानी कि स्मार्ट सीएनजी। ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि स्मार्ट आपको इकोनॉमी प्रोवाइड करती है यानी कि फ्यूल इकोनॉमी एवरेज बेटर है। ये ज्यादा सेफ भी है, लेकिन कैसे सेफ है कैसे स्मार्ट है सारी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। अब हम चला रहे हैं द अर्टिगा सीएनजी, तो यहां पर परफॉर्मेंस की बात करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इसको सीएनजी मोड पे चला रहे हो तब आपको अराउंड 88 पीएस की पावर मिलती है, 121 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। बट क्या ये इनफ है? आई पर्सनली बिलीव दैट इट्स इनफ। आई नो ये बहुत पावरफुल इंजन नहीं है, इतनी बड़ी गाड़ी है, 7 सीटर है, 1.5 लीटर का इंजन है, उस अकॉर्डिंगली आपको लगता है कि नंबर्स में कि यार पावर शायद कम होगी। जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं तब आपको ऐसा नहीं फील होता कि बहुत यू नो अंडर पावर्ड कार है या पावर नहीं है, ऐसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। अच्छी खासी पावर आपको इस गाड़ी में मिल जाती है, ऑफर की जाती है। लेकिन अगर आप इस सीएनजी कार को चलाओगे एक पेट्रोल मोड में तब इसकी पावर थोड़ी डिफरेंट है। 100 PS की पावर, 136 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, वो उससे थोड़ा सा बेटर हो ही जाता है। कैसे बेटर होता है? बिकॉज आपको ज़्यादा पावर और पिकअप फील होने लग जाती है जब आप इसको थ्रोटल करते हो। अभी ये पेट्रोल मोड पे है, दिस इज सीएनजी, तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है अगर मैं ओवरटेक करना चाहता हूँ तो। ये सीएनजी मोड पे ओवरटेक है और अगर मैं ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए वापस उसी स्पीड पर आऊँ, तीसरा गियर डालूँ और पेट्रोल मोड पे करूँ तो मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा पावर मिल जाती है, लेकिन बहुत माइनर सा फ़र्क है। 19-20 का फ़र्क आपको यहाँ पर महसूस होगा, उससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है मैं यहाँ पर गलत भी हूँ, शायद 19.5 और 20 का फ़र्क हो। तो ऐसा नहीं है कि सीएनजी की वजह से इसमें पावर ज़्यादा कम हो रही है, हालांकि अगर आप फैक्ट्री फिटेड सीएनजी लगवाते हैं तो पावर का फ़र्क आपको ज़्यादा फील होता है यानी कि डिफरेंस ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आप इसमें परचेज करते हैं पेट्रोल ओनली वेरिएंट तब आपको वहां पर 104 पीएस की पावर और 137 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ऑफर किया जाता है, क्योंकि एक अच्छी खासी पावर है और ये इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। अब दोनों ही गाड़ियों में एक ऐसी कॉमन चीज़ मिल जाती है जो कि बेहतरीन है, ट्रांसमिशन। 5-स्पीड ट्रांसमिशन है, हाँ 6-स्पीड होती तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट 5-स्पीड में एक इसमें अच्छी चीज़ ये लगी कि जो गियरबॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, नॉइसलेस है। जब आप गियर शिफ्ट करते किस तरह, क्योंकि टक टक की आवाज़ या प्लास्टिक की आवाज़ आपको नहीं आएगी, तो ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि अर्टिगा में जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ किया गया है दैट इज़ वेरी वेरी गुड एंड अप मार्केट। एंड इंटरेस्टिंगली जो इसका क्लच है, वो ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, डीप नहीं है, बहुत लाइट वेट है और उसके साथ साथ बहुत इजी टू मैनूवर है, बिकॉज बहुत जल्द अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है और गियर शिफ्ट करने में आपको पैर ज़्यादा अंदर तक नहीं लेके जाना पड़ता, तो वो आपको डेफिनेटली एक जो डिस्टेंस है वो आपको कम मिलता है यहाँ पर, तो उसका आपको बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। अब इस गाड़ी की सेफ्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-स्टार सेफ्टी रेटिंग जो है इसको पुराने मॉडल को मिली थी, अब मुझे लगता है मे भी ज़्यादा मिल जाए। ABS, EBD, ड्यूल एयरबैग्स तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी मिल जाते हैं और इस वेरिएंट में आपको ब्रेक असिस्ट जैसा फीचर भी मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, पीछे अनफॉर्चुनेटली ड्रम ब्रेक्स ही हैं, डिस्क होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। NVH की यहाँ पर बात करें तो नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। 1.5 लीटर का 4-सिलेंडर इंजन है और आपको ज़्यादा नॉइजी यहाँ पर फील नहीं होगा अंटिल एंड अनलेस आप 3000 RPM से ज़्यादा इसको रेव करते हैं। तो इंजन कई बार इतना रिफाइंड लगता है कि आप अगर इसको ऑन रख के साइड पे बैठ गए कि रुक गए हैं तो आपको लगेगा नहीं कि ये इंजन ऑन भी है, तो ये इसकी खास बात है। पेट्रोल ओनली मॉडल में तो आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, आइडल स्टार्ट, स्मार्ट रीजनरेशन, ब्रेकिंग वगैरह फीचर्स ऑफर किए जाते हैं टॉर्क असिस्ट के साथ। बट अभी हम CNG की बात करें तो CNG की बात ही कर लेते हैं। सस्पेंशन माय फ्रेंड, सस्पेंशन, अगर आप पेट्रोल ओनली लेते हो और CNG लेते हो तो उसमें थोड़ा सा सस्पेंशन का फर्क है। CNG की बात कर लेते हैं, आई पर्सनली बिलीव कि सिलेंडर की वेट के होने की वजह से बॉडी रोल थोड़ा सा कम हुआ है और आपको थोड़ी ज़्यादा स्टेबल राइड मिल जाती है, स्पेसिफिकली ऑन दी हाईवेज। सिटीज़ में भी आपको एक कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता है, काफ़ी कुछ नहीं है, ज़्यादा झटके आपको महसूस नहीं होंगे। थोड़ी सी अंदर नवाज़ आती है सस्पेंशन के, आई वोंट से कि बिल्कुल भी नहीं आती, बट वो बुरी भी नहीं लगती बिल्कुल भी, और इतनी तो एविडेंट है।
स्टीयरिंग फीडबैक इज रियली इंपॉर्टेंट। सिटी में आपको काफ़ी लाइट वेट स्टीयरिंग मिल जाता है, और जब आप हाईवेज पर होते हैं तब भी आपको एक थोड़ा सा वेट इसके अंदर एडअप होता नजर आएगा, जिसकी वजह से आपको जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है, स्टेबिलिटी है, वो आपको एक बढ़िया प्रोवाइड कर देती है। लॉन्ग राइड्स में भी आपको इसमें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होने वाली है। स्टीयरिंग के मामले में आप कभी भी थकने वाले नहीं हैं। कंफर्ट की यहाँ पर बात करें तो आपको फ्रंट वाली सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती हैं, कुशनिंग पैडिंग काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी की है, बट आई पर्सनली बिलीव कि सेकंड रो थर्ड रो में थोड़ी थोड़ी जो कुशनिंग है वो फ्रंट सीट्स के कंपैरेटिवली उतनी अच्छी नहीं है, 19-20 का फर्क आ रहा है। तो लॉन्ग राइड्स में ऐसा नहीं है कि थक जाओगे, बट यस आगे वाले पे ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील करोगे। डेड पेडल भी आपको ऑफर किया गया है यहाँ पर लॉन्ग राइड्स पे, क्लच छोड़कर आप अपना पैर रखकर लॉन्ग राइड्स पे जाएंगे तो ड्राइविंग में भी थकने वाले नहीं है। साइड्स पर आपको यहाँ आर्मरेस्ट मिल जाती है जो कि स्लाइडिंग है, बट अनफॉर्चुनेटली इधर स्टोरेज आपको बहुत कम मिलती है, उस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें। और आपको राइट साइड पर यहाँ पर भी एक पैडिंग दी गई है बहुत हल्की सी, ये सॉफ्ट टच होने का एहसास दिलाती है लेकिन ये सॉफ्ट टच है नहीं। अब एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन, माइलेज आपको इसमें कितनी मिल जाती है। रियल लाइफ माइलेज सिटी में आपको अराउंड 14-15 की एमपीएल मिल जाएगी, हाईवे पे 20 से लेकर 22, डिपेंडिंग ऑन ड्राइविंग, कितने लोग हैं, क्रूज पे अच्छे से चल रहे हैं या नहीं, तो आपको अच्छी खासी अर्टिगा पे माइलेज मिल जाती है। हाँ, अगर 7 लोग बैठे हैं, थोड़ा बहुत लगेज भी है, तो 2-2 किलोमीटर पर लीटर आप कम कर लीजिए, आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। एंड दिस इज़ फॉर द पेट्रोल, ये जो मैंने माइलेज सारी बताई है ये पेट्रोल की माइलेज है। अगर इसी में आप सीएनजी की बात करें तब आपको सिटीज़ में मिल जाती है अराउंड 18-19 किलोमीटर पर केजी, और हाईवेज पे 22-23 किलोमीटर पर केजी आपको ऑफर किया जाता है। इससे आपकी फ्यूल सेविंग तो कहीं ना कहीं ज़रूर होती है। इसके अब मारुति की आफ्टर सेल्स और रीसेल के बारे में भी अभी बात कर लेते हैं। आफ्टर सेल सर्विस मारुति की बढ़िया है बिकॉज शोरूम बहुत अलग अलग जगह पे। अगर आपको बाई चांस किसी एक शोरूम की डीलरशिप या डीलिंग नहीं अच्छी लग रही तो आप दूसरे शोरूम पे जा सकते हैं। प्लस रीसेल वैल्यू मारुति का तब जानते हैं, आई थिंक इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर रीसेल वैल्यू किसी कंपनी या किसी गाड़ियों की है तो वह मारुति की कार्स की है। तो अर्टिगा सीएनजी एक बहुत ही बढ़िया इंजन, रिलायबल इंजन के साथ आती है, और चाहे पेट्रोल भी लो चाहे इसका सीएनजी भी लो, ये इंजन सब जानते हैं कि काफ़ी ड्यूरेबल है, तो इसीलिए उसकी रीसेल वैल्यू भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। विजिबिलिटी वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हालांकि बोनट लेफ्ट और राइट साइड नज़र नहीं आता, बट ओवरव्यू एंड आयर व्यू बिल्कुल वेल प्लेस्ड है। यहाँ पर आपको मैनुअल आयर व्यू मिलेगा रात के लिए, लेकिन बस एक चीज़ लगती है, जो ये वाइपर्स हैं ये नज़र आते हैं तो ये थोड़े से नीचे होते और हिडन टाइप होते तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट ये वाइपर्स लगातार आपको नज़र आते रहेंगे तो ये थोड़ा सा कम प्रीमियम मुझे लगता है। तो मेरा ओपिनियन ये कहता है कि अगर सीएनजी लेनी तो VX से एक ज़्यादा प्रैक्टिकल, एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको फीचर्स चाहिए तो ZXI ऑप्शन भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, सिर्फ रियर कैमरा बाहर से लगवा लेना। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप पेट्रोल ले रहे हैं, आपकी रनिंग जो है वो 2500-3000 किलोमीटर तक नहीं है पर मंथ, तो पेट्रोल एक बेटर ऑप्शन। अगर आपको एक 7-सीटर प्रैक्टिकल वैल्यू फॉर मनी व्हीकल चाहिए तो अर्टिगा इज द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल ऑप्शन राइट नाउ। सो यू कैन डेफिनेटली यू नो ऑप्ट दिस पर्टिकुलर व्हीकल जो पेट्रोल वेरियंट इसका आता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और उसके साथ साथ अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें कि ये गाड़ी आपको कैसी लगती है। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, कार बाइक 360 पे बहुत सारा कंटेंट आता रहता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।